अल्लाह के नाम से, उस पाक परवरदिगार के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन पर आपका पसंदीदा प्रोग्राम राह हिदायत और मैं हूं आपकी मेज़बान राबिया अनम। पाकिस्तान के जिन तमाम बड़े शहरों में और हर गली कूचे, छोटे देहातों में, गाँव में, जहाँ जहाँ हमारा ये शो देखा जा रहा है, आप सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन कराम, हमने इस शो में ये रिवायत रखी और उसका आगाज़ किया कि हम जो दीनी मामलात हैं, जो फ़िक्ही मामलात हैं, उन पर गुफ्तगू करें, आपको उसके तमाम पहलुओं से आशना करें। आपको पता होना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी में छोटे बड़े जो 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 मसाइल आ रहे हैं उनका हल क्या है और उनका हर दीन इस्लाम में क्या है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए हमने इस शो की रिवायत रखी और इसका आगाज़ किया, और आपकी पसंदीदगी को मद्देनज़र रखते हुए और हमारे व्यूवरशिप को मद्देनज़र रखते हुए, फिर जितने मैसेजेस आपके कॉल्स और व्हाट्सएप पे और ईमेल्स हमें आती हैं उसे देखते हुए हमें यह अंदाज़ा हुआ कि हमारी बहनें और ख़वातीन एक बहुत बड़ी तादाद में हमें देखती हैं, और सबसे ज़्यादा वो लोग हैं जो गाँव देहातों में हमारा ये शो देख रहे हैं। और मुझे जानकर ये बहुत खुशी हुई कि वहाँ तक हमारी ये बातें पहुँच रही हैं, और इस उम्मीद के साथ कि कोई अच्छा असर छोड़ जाएँ। तो नाज़रीन किराम, हमने ये रिवायत रखी कि हम जो बात करेंगे वो ऐसी करेंगे कि आपके रोज़मर्रा के जो मसाइल हैं उसका हल आप तलाश कर सकें इस शो में। और सबसे ज़्यादा ख़वातीन जिनसे रिलेटेड शोज़ बहुत कम हैं, ऐसे जिनमें उनकी इस्लाह की जाए। ऐसे शोज़ तो बहुत हैं जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें सिखाई जा रही होती हैं जिनसे आपकी ज़िंदगी और मुश्किलात का शिकार हो रही है, लेकिन उनके मसाइल का हल कोई आपको नहीं बताता। तो हमने ये डिसाइड किया, और ये बहुत बड़ी मेरी टीम की, मैं समझूंगी, और पाकिस्तान टेलीविज़न की जितनी पूरी टीम है उनका शुक्रिया कि उन्होंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया कि ख़वातीन स्कॉलर्स को सामने रखें, एक ख़ातून होस्ट हों और हम ख़वातीन के लिए ही बात करें। आपने देखा है हम गुज़िश्ता बहुत सारे शोज़ में ख़वातीन के मसाइल पर बात कर रहे हैं। हमने शादी से मुतालिक बात की, तलाक, खुला, तंसीख निकाह, ये सारे ऐसे मामलात हैं जिस पर जो बुज़ुर्ग हैं हमारे, जो बहनें हैं, भाई हैं, उनके बहुत सारे सवालात हैं, बट कोई उन्हें जवाब नहीं मिलता। आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं मेरी बहुत सारी माओं और बहनों के लिए एक बहुत बड़ा इशू बन गया, और वो ये है, हमारा टॉपिक और मौजू है शादी और उसके बाद मैका और ससुराल। इसमें जो तवाज़ुन है वो बरकरार रखने के लिए हमें क्या करना होगा, ये दोनों यूनिट्स किस तरह से हम साथ लेकर चलें। और मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि चाहे हम कहें नहीं, ख़वातीन और मर्द के बराबर के हुकूक़ भी हैं, फ़राइज़ भी हैं और ज़िम्मेदारियाँ भी हैं, लेकिन जितनी ज़िम्मेदारियाँ इस माशरे में ख़वातीन के ऊपर हैं वो मर्दों पर नहीं हैं, क्योंकि उन्हें घर के मामलात और जो बाहर के मामलात हैं दोनों को मिक्स एंड मैच करके चलना पड़ता है, दोनों को साथ लेकर चलना पड़ता है, पैरेलल वो चल रहे होते हैं। तो आज बात करेंगे मैका और ससुराल, इसकी अहमियत पर। हमारे साथ दो बहुत मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गरामी मौजूद हैं। जो सबसे पहली मेरी मेहमान हैं उनको आप देखते हैं, उनकी बातें आप हमेशा सुनते हैं, हमारे साथ पहले भी प्रोग्राम्स में शिरकत कर चुकी हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा, अस्सलामु अलैकुम। और मेरे साथ मौजूद है एक बहुत यंग और वाइब्रेंट स्कॉलर हैं, जिहान शाह, जो अपना एक स्कूल भी रन कर रही हैं, आप इनको टेलीविजन पर पहले भी देखते रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम जिहान, कैसे हैं आप, एंड वेलकम टू आवर शो फॉर द फर्स्ट टाइम। आप दोनों से हम आगाज़ करेंगे, जिहान अगर आपकी इजाज़त हो सरवत साहिबा से मैं आगाज़ करूंगी। सरवत साहिबा, खातून के ऊपर सबसे बड़ी ये जिम्मेदारी होती है, और हम अगर कहें उसके नाजुक कंधों पर ये बोझ है कि मैका और ससुराल शादी के बाद एक साथ लेके चलना है। आजकल लड़कियां क्योंकि इंडिपेंडेंट हो गई हैं, वो शादी से पहले भी अपने घर के बहुत सारे अखराजात भी चला रही होती हैं, लेकिन अगर वो काम करने वाली नहीं भी हैं तो भी माँ का ख्याल, अगर माँ बूढ़ी है तो उसकी दवाइयों का ख्याल, उस घर में खाना पकाना, अचानक जब बेटी घर से चली जाती है तो वो घर भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, जिसको कोई नहीं सोचता। ससुराल वालों के अपने होते हैं कि अभी तो आई है, यहाँ ज़्यादा रहे तो सेटल रहेगी, लड़की चाहती है कि मैं ज़्यादा जाऊँ अपने मैके ताकि मैं थोड़ा सा कनेक्ट रहूँ। तो ये ज़िम्मेदारियों को एक लड़की किस तरह लेकर चले जो दीन के दायरे में आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहली बात तो ये कि राबिया, ये जिस तरह के आपने इंट्रो में भी कहा, ये यकीनन एक बहुत बड़ी काविश है, एक कोशिश है, और हमारी दुआ है कि परवरदिगार आलम हमारी इस कोशिश और काविश को कबूल फरमाए और इसके बेहतरीन नतायज मुरतब हों। बिल्कुल, सामने ये एक प्लांट लगा हुआ है, एक पौधा है, तो इसको अगर यहाँ से निकाल कर किसी और आप गमले के अंदर मुंतकिल करेंगे तो इसको भी कुछ वक्त लगेगा, इसको भी वक्त लगेगा एक मिट्टी से दूसरी मिट्टी में जाने का। कहाँ पे एक इंसान
दूसरे घर में जा रहा है और उसमें एक लड़की जो कि 20 बरस तक या 22 बरस तक एक घर के सांचे में डली हुई होती है, उस घर की परवरिश, उस घर की तरबियत, उस घर की जिम्मेदारियां, तमाम तर चीज़ें उसके नज़दीक मौजूद होती है, तो ससुराल वालों को थोड़ा सा वक्त देना चाहिए क्योंकि अदम बर्दाश्त है, तहम्मुल की कमी है, वक्त कोई किसी को देने पर तैयार नहीं, जल्दबाजी बहुत ज़्यादा है, तवक्कुआत तो इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है। एक ऐसी लड़की जिसने 18-20 साल पढ़ने लिखने में गुजारे हों, वो कैसे ये मुमकिन है कि ससुराल जाकर एक 70 बरस की, 65 बरस की तजर्बाकार खातून की जिम्मेदारियों को अदा कर सके, वो नहीं कर सकती है, लिहाजा उससे वो तवक्कुआत भी नहीं लगानी चाहिए और उसको कुछ टाइम देना चाहिए। और फिर एक झिझक होती है आपको किसी के नए घर जाकर, आप मेहमान बनकर भी जाएं तो एक झिझक रहती है, तो आप बहू बनकर भी जा रहे हैं तो एक तो आपके ऊपर इतना प्रेशर है कि जी कैसी साबित होगी बहू, अच्छी होगी नहीं होगी, फिर आपकी ये झिझक आपको बहुत ज्यादा, पहली बात तो कि एक तो झिझक भी होती है, दूसरी बात ये कि दूसरी फैमिली आपको स्पेस देने पे तैयार नहीं होती, अगर वो आपको स्पेस देने पे तैयार नहीं होती तो अब उस लड़की के लिए आगे बढ़ना या अपनी मर्जी से कोई कदम आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो हमें तमाम तर बातों को मद्देनजर रखना चाहिए, लेकिन सबसे पहली बात तो ये कि अल्लाह ताला की जानिब से ख्वातीन के अंदर बहुत ज़्यादा लचक है, उनके मिजाज में, उनके तौर तरीक़ों में, उनके अंदाज में, यही वजह है कि एक लड़का किसी और घर नहीं जाता, एक लड़की को दूसरे घर चली भी जाती है, वो एडजस्ट भी हो जाती है। और बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी होती हैं, मुझ समेत, मैं ये कहती हूँ कि मैंने 16 बरस वालिदैन के घर में गुजारे और 32 बरस अपने शौहर के साथ रही, तो अब मुझे ये बताइए कि मेरे ऊपर वहाँ के असरात ज़्यादा होंगे या यहाँ के असरात ज़्यादा होंगे। यकीनन यही तरबियत है, यही के असरात है, यही इसी सांचे में लड़की ढल जाती है, तो इसके बिना पर बहुत जल्दी वो एडजस्ट कर जाती है, तो लेकिन उसको थोड़ा सा टाइम स्पेस देना चाहिए। जहाँ एक लड़की के लिए कितना मुश्किल हो जाता है जब उसे वो एक नए घर में जाए, वहाँ उसे स्पेस ना मिले, क्योंकि वहाँ दो आपकी अहम जिम्मेदारियां, एक तो आपने ससुराल वालों को भी संभव खुश करना है और दूसरा आपकी जो आपके हस्बैंड के साथ, खावन के साथ जो रिलेशनशिप है वो भी इफेक्ट ना हो। कुछ खवातीन इतना ज्यादा फोकस्ड हो जाती है घर के कामों में और हर चीज में कि खावन को लगता है कि मुझे वक्त नहीं मिल रहा, तो दोनों चीजों को कैसे बैलेंस रखना चाहिए? अल्लाह ताला कुरान हकीम में फरमा रहे हैं, मिन आयाती अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। अल्लाह ताला की आयात यानी अल्लाह ताला की निशानियां हैं ये मियाँ बीवी का रिश्ता। अगर ये अल्लाह ताला की निशानी अल्लाह ताला खुद इसको कह रहे हैं तो ये कितनी अहमियत का हासिल है। व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा कि और फिर मैंने तुम लोगों के बीच में रहमत भी डाली है और मोहब्बत भी डाली है, दोनों चीजें एक साथ है। अब यही देख लेना है सबसे पहले कि जहां पर वो लड़की जा रही है, पहले तो ये कि कहां से आ रही है, क्या सीख कर आ रही है, माँ बाप क्या सिखा कर भेज रहे हैं, वो भी ये दोनों चीजें उसके दिल में डालेंगे, मोहब्बत भी और रहमत भी। जब हम इस बारे में बात करते हैं ना तो हम दो तरीकेकार से बात करते हैं, एक तो ये कि हम इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू, जाहिर सी बात है क्योंकि मुसलमान है उसको हम मद्देनजर रखेंगे, लेकिन कुछ बातें हमारा मुआशरा भी हमें समझाता है जो कि हमारा कल्चर है और हमें उसे फॉलो करना ही करना है, इस बात को देखते हुए कि हाँ वो इस्लामी तालीम से बिल्कुल तजाद ना करें और वो उनके साथ साथ हों, तो फिर हम एक बेहतरीन माशरा, हमारा सबसे बेस्ट माशरा है हमारा। क्यों बेस्ट? हमारे माशरे की मिसालें देते हैं, क्यों? क्योंकि फैमिली सिस्टम यहाँ पर है और इसी वजह से ही यहाँ की शादियां ज्यादा कामयाब है और जितनी और दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। मैं अरब में भी रही हूँ, मेरी पूरी जिंदगी वहां पर गुजरी है, वहां पर भी ये मुश्तरका जो खानदानी निजाम इतना ज्यादा नहीं है, और जो आप अगर वेस्ट की बात करें तो वहां पर तो बिल्कुल भी इस तरीके का कोई निजाम नहीं है। हमारे पास ये चीजें इसीलिए कामयाब हैं क्योंकि ये हमें जोड़ कर रखती हैं एक साथ, वही हमारी स्ट्रेंथ है, यही हमारी स्ट्रेंथ है, लेकिन हमें इसे स्ट्रेंथ बनाना है, हमें इसे अपनी कमजोरी नहीं बनानी है। बहुत सारे हमारे पास सवाल है जहान और सरवत साहबा, मैं आप जब ये सिचुएशंस आपके सामने आएंगी तो आप लोगों को और ज्यादा अंदाजा होगा कि इस वक्त मुल्क में और खवातीन के लिए घरों में किस किस्म के मसाइल हमारे सामने आते हैं। सबसे पहले जो हमारा सवाल है, सादिका सज्जाद है रहीम यार खान से, उन्होंने सवाल किया, सरवत साहबा चाहूंगी आप जवाब दें। वो कहती हैं कि मेरे शौहर अपनी वालिदा के कहने में आकर मुझे और मेरे बच्चों को मेरे वालिदैन से मिलने नहीं देते। उनकी वालिदा और नमाजी परहेजगार हैं, हज भी कर चुकी हैं, लेकिन ज़ुबान से बहुत ज़्यादा गलत अल्फाज निकालती हैं जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। आप इस सिलसिले में मेरी रहनुमाई फरमाएं, अगर मैं उनकी वालिदा से तल्ख कलामी में पड़ जाऊँ तो क्या मैं गुनहगार हो जाऊँगी?
सबसे पहली बात तो ये कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीने मुनव्वरा में कुछ अफराद आए और कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक औरत है इस मदीने नबवी में, ऐसी है कि वो रातों को इबादत किया करती है, दिन को रोज़े रखा करती है, मगर इसके बावजूद वो औरत बदज़बान है, उसकी ज़बान की ईज़ा से उसके घर वाले, उसके पड़ोसी और दीगर अफराद महफूज नहीं रहते। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो औरत जहन्नमी है, वो जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सकती। जन्नत की खुशबू जो कि 500 बरस दूर से इंसान महसूस कर सकता है, यानी वो जन्नत से इतना दूर रहेगी। देखिए हुकूकुल्लाह जो है परवरदिगार आलम उसे माफ़ कर सकता है क्योंकि वो उसके अपने हुकूक हैं, लेकिन जब तक इंसान बंदों से अपने गुनाहों को माफ़ ना करवाए तब तक वो बात माफ़ नहीं हो सकते। तो सबसे पहली बात तो ये कि उनके शौहर ये नहायत गलती करते हैं कि वो अपनी बीवी को उसके वालिदैन से मिलने नहीं देते, इसलिए कि ये वो रिश्ते हैं कि जिन रिश्तों को कभी छुड़ाया नहीं जा सकता। आप बजब्र ज़बरदस्ती छुड़वाएंगे, वो छुप छुप के मिलेंगी, या किसी खानदानी तकरीब में, किसी महफिल में कैसे ये मुमकिन है कि बेटी माँ की जानिब या बाप की जानिब मुतवज्जो ना हो? तो ये बहुत बड़ा गुनाह है और शौहर को भी अपने गुनाह से दूर रहना चाहिए और इस अमल से परहेज करना चाहिए, और वो जो उनकी सास हैं उनको तो चाहिए कि बहुत ज़्यादा अपने अमाल पर मुतवज्जो हों, इसलिए कि बहुत सारी ख़वातीन का ये काम होता है कि वो अपने बेटों को भड़काती है बीवी और उसके खानदान के खिलाफ। उसकी वजह से हम देखते हैं कि माशरा तबाह बर्बाद हो जाता है, कि या तो वो घर टूट जाते हैं और अगर टूटते नहीं तो दिलों में एक लावा पकता रहता है। और मर्द के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, उसको भी तवाजुन रखना चाहिए कि जो लड़की है वो क्या कर रही है, क्या वो तो गलत नहीं है माँ के खिलाफ, और माँ क्या कहीं पर गलती पर है। तो मर्द को भी इस चीज में बहुत ज्यादा देखना होता है, उसके ऊपर भी बहुत जिम्मेदारी है। एक और हम सवाल की जाने बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो दूसरा सवाल हम पूछेंगे, और आसिया अशरफ ने सवाल पूछा हुआ और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, मैं चाहती हूँ कि आज इस पर बात हो। तो हमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसका अंदाज़ा हो सकेगा, हमारा दीन कहाँ कहाँ पर हमारे लिए बहुत सहूलत भी है और कहाँ पर हम उस सहूलत का फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं, ये सारी चीज़ें इस तमाम मामलात होगी एक ब्रेक के बाद। के बाद खुश आमदीद, आप देख रहे हैं राह हिदायत और हम सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आसिया अशरफ हैं बलूचिस्तान से, उन्होंने सवाल पूछा है, वो कहती हैं कि मैं बहुत बड़े जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हूं और दिन भर हमें काम करना पड़ता है, मैं पूछना ये चाहती हूं कि ससुराल में औरत को कितना पर्दा करना चाहिए, इस सिलसिले में इस्लाम की तालीमात क्या हैं, अगर आप बताएं। जी हाँ, इस्लाम की तालीम तो ज़ाहिर शदीद पर्दे की हैं, और अगर उस फैमिली में देवर हैं, जेठ हैं या ना महरम रिश्ते मौजूद हैं जिनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं अलहमु अलमौत, कि वो ऐसी चीज़ है कि जो इस तरह के रिश्ते हैं, जो ना महरम ससुराली रिश्ते हैं, उनको मौत से तशबीह दी जा रही है कि जिस तरह इंसान मौत से दूर भागता है इसी तरह उनसे दूर रहने का हुक्म है। पूरा का पूरा पर्दा वाजिब है कि आपको पूरे के पूरे, क्योंकि ये एक हकूक़ भी हैं जो आप अपनी बीवी को शादी के वक्त दे रहे हैं कि उनको सेपरेटली इस तरीके से रखें ताकि उनके पर्दे सारी चीजें जो है वो भी मुकम्मल हो। और एक लड़की के लिए ये है कि अगर भाई इस तरीके की मजबूरियां भी होती हैं कि अलग घर नहीं दे सकते हैं या वालदैन बूढ़े हैं या जो और लोग साथ रह रहे हैं वो साहिब इस्तताहत नहीं है कि वो अलग होकर रह सके, तो उस पर फिर ये हुक्म है कि फिर वो पूरे हिजाब में, पूरे पर्दे में जो बा आसानी वो कर सकें, कम अज़ कम इतना हो कि बाल उनके पूरे ढके हुए हों, उनका सतर पूरा ढका हुआ हो, और उसमें वो फिर अपने घर के सारे मामलात करें और सारी चीज़ें करें जब तक कि वो अलग एक पोर्शन मिल जाए उनको या अलग ऐसी जगह मिल जाए, और बिला ज़रूरत उनके सामने ना जाएँ। ज़रूरत से जैसे काम कर रही है, किचन के काम है, घरेलू मामलात उसमें उनके खाते हैं सारे, बिल्कुल खाना खा रहे हैं उसमें आप साथ में हो सकते हैं, इसके अलावा बिला जरूरत ना आपको बात करनी है ना बिला जरूरत आपको उनके सामने आना है। एक और सवाल है और ये बहुत सारे लोगों ने सवाल किया, तो मैं इसको एक मिलाकर ही आप लोगों से पूछ रही हूँ। और सवाल कुछ इस तरह से है कि हमारी बहनें पूछना चाहती हैं कि हमें ये कहा जाता है कि जो हमारे खाविंद हैं वो हमारे घर में खाना नहीं खा सकते, ये रिवायतों के खिलाफ है, और हमारे घर रात नहीं रुक सकते। और एक बहन है जरीना, उनका नाम है, उन्होंने पूछा है कि मेरे जो खाविंद हैं, मेरा जो मैका है वो दूसरे शहर में है और मेरे खाविंद मुझे छोड़ने भी जाते हैं लेकिन वहाँ रुकते नहीं हैं, खाना नहीं खाते, और वो कहते हैं कि मेरे वालिदैन ने मुझे कहा है कि ये खिलाफ है रिवायतों की, तो दीन में इसकी क्या मुमानियत है? शरीयत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मैं और आप अमल करते हैं तो उसमें रीत रस्म और रवाज की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारा कल्चर, हमारा हमारी रिवायत अगर ये कहती है कि शौहर बीवी के घर पर ना रुके तो
फैसला हमें खुद करना है कि हमें मज़हब की माननी है या रीत और रवाज की माननी है। तो अगर दूसरे शहर में औरत का महका है तो लामहाला तौर पर शौहरों से छोड़ने के लिए भी जाएगा, वहाँ पर रात भी गुजारेगा, एक दो दिन रह भी सकता है, वापस भी आ सकता है, कोई ऐसी बात भी नहीं, कोई ममानियत नहीं, कोई किसी किस्म की कोई ममानियत नहीं। तो ये जो लोग रिवायतों को दीन के साथ कॉम्प्लिकेट करते हैं, ये कितना बड़ा गुनाह है जहाँ? ये बहुत बड़ा गुनाह है, और इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, मन अहदा फी अम्रिना हाजा मा लैस मिन्हु फहुवा रद्द। अगर किसी इंसान ने हमारे दीन में कोई ऐसी चीज़ को शामिल कर दिया जो कि उसमें मौजूद ही नहीं है, तो उसके सारे अमाल रद्द कर दिए जाते हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है कि आप जो चीज़ मौजूद ही नहीं है, अब ये क्यों है? ये जहल की वजह से है। जब आपको आप यानी जहल का मतलब ये कि आप गाफिल हैं उस चीज़ से, अहकामात से। आप पहले पढ़ें तो सही, आप कोई हदीस पढ़ें, कोई सीरत नबी को पढ़ें, उसके बाद आप देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11 अज़वाज मुतहरात हैं और उनके क्या तरीक़ेकार थे और वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारते थे, तो फिर आपको ये पता चलेगा कि जो आप रिवायात का नाम लेकिन, और ये मैं इस चीज को ये समझती हूँ कि इसके पीछे छुपा जाता है बहुत सारी अपनी कुछ उनकी इंटेंशंस होती हैं। हाँ, या कुछ ये ऐसा नहीं है कि रिवायत ऐसी थी हमेशा से, क्योंकि खाना नहीं खाना, क्योंकि रिवायत हमारी क्या है, हमारी तो रिवायत ही इस्लाम है, हमारी तो, हम तो मुसलमान है जाहिर, हमारी रिवायत कहाँ से आई है। एक और सवाल है, ताहिरा शेख है सखर से, पूछती है कि इस्लाम के नुक्ता नजर में ऐसी औरत का क्या मकाम है जो अपने शोहर और ससुराल का हुक्म मानने से इनकार कर दे लेकिन वालिदैन का कहना मानती रहे? सरवत साहब, मेरे ख्याल में तो वालिदैन और शौहर और ससुराल वाली बहस बेकार है। सबसे पहले अल्लाह का हुक्म मानना चाहिए, अल्लाह का हुक्म मान और अल्लाह की बात माननी और वहाँ का हुक्म मान लिया तो फिर सारे मामला, क्योंकि बहुत सारी मरतबा ऐसा होता है कि हो सकता है कि वालिदैन उसको कोई ऐसी बात कहें जो कि अल्लाह के हुक्म के मुखालिफ हो, या हो सकता है कि शौहर और ससुराल उसको कोई ऐसी बात कहे। हमें इस्लाम की बात माननी है, अल्लाह की बात माननी है, और जो अल्लाह की बात मानता है वो कभी नाकाम नहीं होता। एक और सवाल है सानिया तौकीर का लाहौर से, वो कहती हैं कि मैंने कंप्यूटर साइंस में आला तालीम हासिल की है और मैं कनाडा शिफ्ट होना चाह रही हूँ, वहाँ मुलाजमत की पेशकश भी हो गई है। इस वक्त मसला ये दरपेश है कि मेरे ससुराल वाले मना कर रहे हैं और शौहर बजिद हैं कि मैं ज़रूर जाऊँ। मैं नहीं चाहती कि किसी इख्तलाफ की सूरत पर मेरे लिए कोई और मसाइल पेश हों। मुझ पर किसके हुक्म की तामील होगी, किसका हुक्म मुझे मानना चाहिए दीन की रोशनी में, बताइए। जैसे कि आपने भी कहा कि अल्लाह ताला का हुक्म मान है कि किसकी पैरवी आपको करनी है, किसकी आपको फरमा बरदारी पहले करनी है। आपका जो शोहर कह रहा है आपको उसकी पहले फरमा बरदारी करनी है, लेकिन उसमें भी शुरूत है। अब जो शोहर कह रहा है वो ये कह रहा है कि अब्रॉड वो चली जाए, एक ट्रैवलिंग होगी, अगर तो ना अगर कोई महरम साथ में नहीं है तो फिर वो जायज़ नहीं है उनका सफ़र। अच्छा। कि वो वहाँ पर जाएँ और जाके वो वहाँ पर नौकरी करें, जाहिर सी बात है जहाँ वो जा रही हैं वहाँ भी ना महरम होंगे, सफ़र में भी ना महरम होंगे। सिर्फ सफ़र करने की ही ममानियत है रसूलुल्लाह की तरफ से कि उसका हर कदम फिर गुना है, कि अच्छा। अगर कोई औरत बगैर महरम के जो है वो कहीं भी सफर करती है तो उसका हर कदम गुना है, तो वो इतनी दूर जाकर जॉब करना, तो जो शौहर कह रहे हैं वो बात गलत है, तो उनको समझाने की कोशिश करें। भी वक्त के साथ अब कुछ ये तब्दीली आई है और बहुत बड़े स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि वो जिस वक्त में मना किया गया था वो खास सिचुएशन ऐसी थी कि उस वक्त खवातीन जो मुसलमान थी उन पर हमले किए जा रहे थे। अब अगर एक बापर्दा खातून ट्रैवल करती हैं और अब ट्रैवल की इतनी सिक्योर ट्रैवल हो गया है तो इस तरह मसला नहीं है, तो क्या इस चीज में अब कुछ तब्दीली आई है? देखिए वो मकासद भी दूसरे हैं ना, जैसे हाँ। कि अगर हज की बात हो रही है और उमरा की बात हो रही है तो उसमें मुफ्ती हजरात जो हैं वो थोड़ी सी नरमी दे रहे हैं, या फिर बहुत जरूरत की चीज है जैसे कि मिसाल के तौर पे हॉस्पिटल जाना है या कहीं ऐसी जगह पे जाना है, या जैसे कि अगर अपने वालिदैन से मिलने के लिए अब्रॉड जाना है, अकेले जाना है, शोहर नहीं जा सकते हैं, तो ये एक अलग अहकाम इसमें आ जाते हैं। लेकिन सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब सिर्फ जॉब के लिए जा रही वहीं रहना होगा उनका फिर, क्योंकि उनको कोई जरूरत पड़ सकती है। आपने ये देखना है कि आपके शोहर क्या कह रहे हैं, लेकिन ये भी उस पर जरूरी है कि वो अहकामात से मैच करता है जो इस्लामी अहकामात हैं या बिल्कुल, नहीं बिल्कुल। आप सरवत साहब ऐड करना चाहेंगे कुछ? अगर अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी नहीं हो रही तो उनको जरूर कदम आगे बढ़ाना चाहिए और आगे जाना चाहिए। ठीक है, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी, निगहत परवीन है, मैं चाहूंगी आप सरवत साहब बताएं। वो कहते हैं कि मैं किसी मसले पर नाराज होकर अपने मैके चली गई थी और चंद माह की बेटी को मैं अपने ससुराल छोड़ गई थी। इस दौरान मेरी बेटी को मेरे शौहर की बहन ने यानी उस बच्ची की फुप्पो ने दूध पिलाया। चंद साल गुजर गए हैं, मैं ससुराल वापस जाना चाहती हूं लेकिन मेरे शौहर की बहन अब रुकावट बनी हुई है। ऐसी सूरत में शरण मुझे क्या करना चाहिए? हमारे लिए जो मजहब भेजा गया है ये दिलों को जोड़ने के लिए भेजा गया है, दिलों को तोड़ने के लिए नहीं भेजा गया, और हमें एक ख़ानदानी निज़ाम की हौसला अफजाई करनी है, इस ख़ानदानी निज़ाम को तोड़ना नहीं है। सबसे पहली बात तो ये कि वो खातून अगर नाराज़ होकर जा भी रही थी तो उनको अपनी औलाद को नहीं छोड़ना चाहिए था, अपनी औलाद को माँ के साथ रहना चाहिए। दूसरी बात ये कि
हो सकता है कि किसी किस्म की कोई और सूरत हाल हो कि ना जाने दिया और शौहर ने, बहुत सारी डिटेल्स हो सकती है, जो बहुत नहीं है। सारी तफसीलात यहाँ पर हो सकती हैं। तो अब इसमें ये कैसे मुमकिन है कि एक औरत अपने घर आना चाह रही है, उसका शौहर उसे लाना चाह रहा है, फूफी उसमें रुकावट बनी हुई है, ये कैसे मुमकिन है? रज़ात के अहकामात अलहदा हैं, उसके ऊपर पूरा पूरा अमल किया जाएगा, लेकिन माँ को औलाद से जुदा नहीं किया जा सकता, ना हमारे आइली कवानीन में ना हमारे मजहबी कवानीन में। वो औरत माँ है और माँ के दर्जे पर फायज है, उस पर उसे कोई इनकार नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया, आपका सरवर साहबा बहुत शुक्रिया, जिहान आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, हम इस गुफ्तगू के सिलसिले को इंशाल्लाह अपने आने वाले प्रोग्राम में भी आगे बढ़ाएंगे। ये एक ऐसे मामलात हैं जो घर घर का मसला है, और हम इसीलिए घर ही की बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया में देखा जाता है कि किस तरह से बच्चे जवान हुए नहीं होते कि उन्हें इंडिपेंडेंट कर दिया जाता है कि आप जाओ खुद कमाओ और खुद कमा के अपना जिंदगी में जो गुजर असर है उसे पूरा करें, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। इसके भी प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन यहाँ पर जब बच्चों को खुद से दूर नहीं किया जाता तो बच्चे भी वालिदैन को खुद से दूर नहीं करते। तो अगर हम वो खुशनसीब मुल्क हैं जहाँ पर फैमिली यूनिट्स का सिस्टम है, तो प्लीज़ उसे डिस्टर्ब ना होने दें। और ये छोटी छोटी बातें होती हैं, नोकझोंक होती है, आप कोशिश करें कि जिस चीज़ का भी मसले का हल आपने निकालना है, आप शरीयत को देखें, रिवायतों को ना देखें, और ये ज़रूर कोशिश करें कि आप सही दीन को समझ सकें। हमारे इतनी अच्छी ख़वातीन स्कॉलर्स हैं जो यहाँ शोज़ में मौजूद हैं, आप इन लोगों से राबता कर सकते हैं। आपके इर्द गिर्द जो ख़वातीन स्कॉलर्स हैं, जितनी मेरी बहनें हैं, वो उनके पास जा सकती हैं और उनसे अपने मसाइल का हल दरियाफ्त कर सकती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे शो की वजह से हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई एक बेहतरी ज़रूर आए, और इसका अजर हम सबको, हमारी पूरी टीम को इंशाल्लाह मिले। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, इंशाल्लाह आपसे दोबारा अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी, और अगले प्रोग्राम में भी जो घरेलू मसाइल हैं, जो ख्वातीन जिनसे रोज़मर्रा के मसाइल से दरपेश होती हैं, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। राह हिदायत देखने का बहुत शुक्रिया। अपनी मेज़बान राबिया अनम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।